पीपल व्हाट्स अप देयर, दिस इज शुभम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग सोच रहे हो कि आज वीडियो की शुरुआत में ही मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए। इसलिए मैं आज अपने लिए एक प्रोटीन शेक बना रहा हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोग देख ही सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल। तो फिलहाल मैं अभी कुछ राइप बनानास को मिक्सी में पीस कर उसमें प्रोटीन शेक मिलाकर एंड थोड़ा सा मिल्क डालकर उसे ग्राइंड कर लूँगा। एंड बाय द वे, मैं जो प्रोटीन पाउडर अभी मिला रहा हूँ वो प्लांट प्रोटीन है, मतलब फुल वीगन। मैंने कुछ टाइम पहले ही ऑर्डर किया था और इट टर्न्स वेरी बैड, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसे बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। और ये बहुत टाइम से रखा हुआ भी था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ इसका बना लिया जाए। सो आई नो कि ये उतना भी टेस्टी नहीं लग रहा था, बट फिर भी अच्छा था क्योंकि इसमें बनानास और मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले थे, तो वो थोड़ा ठीक लग रहा था। तो चलो अब इसे पीते हैं एंड अपना दिन शुरू करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी फ़िलहाल सुबह के 4:20 हो रहे हैं एंड आई जस्ट मेड माय प्रोटीन शेक, एके प्री वर्कआउट मील। एंड फिलहाल मैं आज सुबह 2 बजे ही उठ गया था, सुबह नहीं मतलब आधी रात को 2 बजे, क्योंकि कल शाम को, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, मैं जस्ट घर आके तुरंत सो गया एंड बस उठ गया मैं 2 बजे। सो राइट नाउ आई वॉज जस्ट एडिटिंग सम वीडियोज़। और अभी हम लोग का प्लान ये है कि मैं थोड़ा सा इसे पीकर जाने वाला हूँ जिम, क्योंकि जाना तो है। यू नो यस्टरडेज डे वॉज सो फन। हम लोग बाहर गए, कॉलेज गए, हम लोगों ने सबका असाइनमेंट्स वगैरह देखा, सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छे तरीके से बनाया था एंड देन वी हैड सम फन। आफ्टर दैट मैं और योगेश रेस्टोरेंट पे गए थे, बंगाली रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमें, छोड़ो मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ, मैं तो आपको ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, इसे दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके देखना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, तो मैं नहीं भूलूँगा। बस आप लोग चैनल पर जाना एंड जस्ट इस वीडियो के पहले वो मिल जाए। सो गाइज, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ एंड पता है अभी थोड़ी देर पहले मम्मी मुझसे बता रही थी, मुझसे बोल रही थी कि आज महाअष्टमी है तो आज मम्मी को मंदिर जाना है। दैट्स वाई शी वॉज टेलिंग मी कि आज थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि अगर हम लोग 9 बजे तक मंदिर चले गए देन इट्स गुड, नहीं तो उसके बाद फिर भीड़ बढ़ जाती है। मेरे घर में जब भी नवरात्रि होती ना, तो महाअष्टमी के दिन हम लोग के घर नहीं मतलब हम लोग के घर से जो लोग हैं वो जाते हैं मंदिर और पूजा वगैरह करते हैं, थोड़ी खास पूजा। दैट्स वाई सितंबर वाले नवरात्रि में भी और इस वाले नवरात्रि में भी महाअष्टमी को थोड़ा हम लोग के घर में पूजा वाला सीन रहता है। तो अभी जिम से आने के बाद क्विकली हम लोग नहा वहा के चलेंगे मंदिर। लेकिन पता है मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी अगर मे बी मैं लेट हो जाऊँ तो पापा के साथ चले जाना, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला कि अगर आप 9 बजे तक भी जाओगे ना तो हो सकता है कि भीड़ थोड़ी मिल जाए, इसीलिए सुबह सुबह 7 बजे चले जाना। बट लेट्स सी, आई होप कि मम्मी को रेडी होने में 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, तब तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे एंड देन वी विल गो टू द टेम्पल। चलो गाइज, मैं जिम तो आ गया और जैसा कि मैं देख सकता हूँ आज फाइनली जिम खुल गया है इतने दिनों बाद, क्योंकि मैं खुद ही अभी 6:30 बजे आ रहा हूँ, तो मे बी हो सकता है गौतम भैया ने आज सुबह जल्दी आके जिम खोल दिया है। तो चलो चलते हैं। Okay,
ओके सो गाइस, मैं जिम से वापस आ गया था और फिलहाल मैं अभी शावर लेकर बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने आज ऑरेंज पहना है क्योंकि आज ट्यूसडे है एंड साथ साथ में हमें मंदिर भी जाना है, इसलिए दैट्स वाई मैंने सोचा कि आज ऑरेंज ही पहनते हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत टाइट है एंड मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोचा था कि कोई ओवर साइज टी शर्ट पहन लेता हूँ, लेकिन नहीं, आज ऑरेंज ही पहनने का मन किया तो मैंने पहन लिया जस्ट। सो अभी मैं जाता हूँ मम्मी के साथ मंदिर और आप लोग को डायरेक्टली वहीं पे मिलता हूँ। एंड फिलहाल जाने के लिए मैं सबसे पहले अपने शेड्स एंड मेरी स्कूटी की चाबी, या दीज टू आर द थिंग्स जो कि मैं कैरी करने वाला हूँ और कुछ भी नहीं। चलो मिलते हैं डायरेक्टली मंदिर में। और हाँ, मैं अपना फ़ोन कैसे भूल सकता हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट गाइस, सो इस वक्त मैं और मम्मी एक पूजा वाली दुकान में थे जहाँ पे मम्मी को कुछ चुनरी वगैरह लेनी थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। एंड सामने ही मंदिर था तो जस्ट हम लोग थोड़े बहुत सामान वगैरह खरीद के यहाँ मंदिर के पास आ गए थे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, दुर्गा मंदिर के राइट साइड यहाँ जैसे दुर्गा पूजा में पंडाल्स वगैरह में मूर्तियाँ बिठाई जाती है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी मूर्तियां बिठाई गई थी। एंड ऐसा यहाँ पे सिर्फ चैत्र नवरात्र के टाइम ही होता है। और राइट नाउ मेरे सामने ऐसा एक गाना बज रहा था ना जो आप लोग भी सुनना चाहोगे, सो आप लोग भी सुनो कि वो गाना किस टाइप का था। ये गाना मुझे ना वो बॉडीगार्ड के उस वाले गाने देसी बीट्स की याद दिला रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसे भी डाल देता हूँ। सो हम लोग यहाँ पे पूजा वगैरह करके बस थोड़ी ही देर में निकलने वाले थे, लेकिन मुझे यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस साइड में रिकॉर्डिंग करने के बाद खड़ा हो गया था। एंड मेरी मम्मी पूजा वगैरह कर रही थी वहाँ पर, एंड मम्मी को थोड़ी सी देर लग गई थी। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई थी उस दिन। यहाँ पे मार्केट्स वगैरह लगे हुए थे एंड बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। 2 hours later ओके सो गाइस, आई जस्ट केम फ्रॉम द टेम्पल एंड जैसा कि आप लोग मेरे चेहरे से देख ही सकते होगे कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। लिटरली मेरा हालत बिल्कुल ख़राब हो गया था, मुझे तो लग रहा था कि बस जितनी जल्दी हो सके मैं घर आ जाऊँ। एंड फिलहाल मैं अपना ये ऑरेंज टाइट पोलो टी शर्ट नहीं पहनने वाला, आई एम गोना चेंज टू आई गेस दिस ब्लैक टी शर्ट, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी टाइट कपड़े पहनने में मुझे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मिक्सी, तुम्हें शॉपिंग और बातें करना बहुत पसंद है। वैसे आंटी आप क्या करने आई हैं? बात यह है कि हमारे घर पर एक नया मेहमान आने वाला है, तो मैं तुम लोगों से जल्दी नहीं मिल पाती। ओके सो गाइस, आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड अभी दोपहर को मैं सो गया था एंड जस्ट मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि क्योंकि आज अष्टमी है और कल नवमी है, नवरात्रि चल रही है, अभी रामनवमी भी कल है, दैट्स वाई मेरी पूरी बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट गया था। दैट्स वाई आपको जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी इन द बैकग्राउंड नॉइज़। कभी कभी फेस्टिवल्स में ऐसा होता रहता है, आई मीन हो जाता है। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल रामनवमी है, कल हम लोग जाने वाले हैं मंदिर एंड कल का वीडियो ज़रूर देखना। आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज शुभम सिंह साइनिंग आउट।